तो आज से, हाँ एक बार चालू, आज से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नोड जेएस। नोड जेएस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। मैंने पहले कहा था जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, नोड जेएस, इसी पे आपका पूरे प्रोजेक्ट बनेंगे। नोड जेएस के बाद हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा एक्सप्रेस पे, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नोड जेएस, ठीक है। जैसे आपने मोंगोडीबी सीखा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। वेबसाइट पे आ जाना, वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले हमें ये नोड जेएस इंस्टॉल करना है, तो आप लोगों को नोड जेएस की वेबसाइट ओपन करनी होगी और एलटीएस वर्जन को डाउनलोड करना होगा और इसको इंस्टॉल कर लेना। सिंपल सा काम होगा। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो चेक कैसे करेंगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप सीएमडी ओपन करोगे। सीएमडी ओपन करके दिखा दो। आप सीएमडी ओपन करोगे और यहां पे लिखोगे नोड स्पेस देके माइनस वी, वी मतलब वर्जन, और फिर एनपीएम लिखो, एनपीएम माइनस के बी, एनपीएम स्पेस देके माइनस की बी। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर। हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, वो सब एनपीएम से ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके में दोनों चीज आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो गया। सबका आ रहा है इतना? सर एलटीएस वाला करना है। हाँ, एलटीएस वाला करना है। सबका हो गया नोड जेएस इंस्टॉल? बताएं जी सर। भाई। चलो, अब इसके बाद हम क्या करना है, आपके सिस्टम में एक वीएस कोड होना चाहिए। तो जिसके पास वीएस कोड नहीं होगा, वो वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा, डेस्कटॉप पर चल के एक नया फोल्डर बनाना होगा नोड जेएस के नाम का। दिखा देना उनको फोल्डर एक। डेस्कटॉप पर सबको एक नया फोल्डर बनाना होगा नोड जेएस, ये बना हुआ है नोड जेएस, और इस फोल्डर को आपको वीएस कोड पर ओपन कर लेना है। इतना काम सब लोग कर लें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इतना काम कर लें और वीएस कोड पर ओपन कर लें इतना। कर लिया सबने इतना काम? अब इतना काम कर लिया, रिस्पॉन्स दो, फिर मैं आगे यस चलूं। सर, हो गया सर। चलो, अब देखो नोड जेएस क्या है वो सब सुने। तो नोड जेएस की वेबसाइट में चलना। नोड जेएस एक सर्वर है, जैसे पाइथन है। पाइथन तो अभी तक आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे काम करती थी, आपके ब्राउजर पे। किस पे काम करती थी, आपके ब्राउजर पे। और पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जो आपके सिस्टम में काम करते हैं, याद है, पीएचपी, जावा, डॉट नेट, ये सब आप लोगों के सिस्टम में काम करते थे। मगर ये क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट आपके सर्वर पर रन, मतलब ब्राउजर पे काम करती थी। मतलब पहले हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डेटाबेस वाला काम नहीं कर पाते थे कुछ भी, याद है, पहले नहीं कर पाते थे, पहले उसको फ्रंट एंड में यूज करते थे, ठीक है। मगर जो जावास्क्रिप्ट जो पहले चलती थी, वो किस पे चलती थी, लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रन टाइम, ये लिखा है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, V8 इंजन जो होता है ना, उस पर चलती थी ब्राउजर पे। तो अब उन्होंने क्या उन्होंने सोचा, जावास्क्रिप्ट वालों ने, क्यों ना यार इसको हम ऐसा बना दें, इसको इंजन को, जो ब्राउजर पे जो इंजन है ना V8 इंजन का, जावास्क्रिप्ट का, क्यों ना इसको ऐसा बना दें, थोड़ा इसको अपडेट कर दें,
जिससे ये सबके सिस्टम में चलने लगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो इंजन था V8, जो जावास्क्रिप्ट ड्राइव चलता है, उसको उन्होंने अपडेट किया और एक नोड जेएस बनाया। तो लिखा ना नोड जेएस जो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम और वेरिएबल। इन्होंने क्या किया, फिर एक नोड जेएस बनाया। उन्होंने कहा कि आप नोड जेएस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपने सिस्टम में भी रन कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी कर सकते हो। पहले हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे कुछ भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब से नोड जेएस आया तब से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाते हैं, MongoDB जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब जो नोड जेएस है ना, ये हमारे सिस्टम में रन होता है, जैसे PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, वो क्या नाम है, जावा, .NET, उसी तरीके से अब हमारे सिस्टम में नोड जेएस की जावास्क्रिप्ट की फाइल हम रन कर सकते हैं। किसकी मदद से, नोड जेएस की मदद से। आई बात समझ में, इतनी सब लोगों को अबाउट पे क्लिक कर देना। अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं होगा तो फिर आप कोई भी फाइल को रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो पहले लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ लेना आराम से, थ्योरी, ठीक है। तो अब चलते हैं इस पे, थोड़ा काम करते हैं अपन लोग चल के, आ जाओ। तो हमें क्या पढ़ना होगा, पहले नोड जेएस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। तो नोड जेएस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको कब पढ़ाया था, जावा स्क्रिप्ट में पढ़ाया था। पढ़ाया था आप लोगों को ऑब्जेक्ट, याद है, और आपने MongoDB में उसका यूज भी किया है ऑब्जेक्ट का। तो पहला टॉपिक हमारा वही है नोड जेएस के अंदर, ऑब्जेक्ट। तो अब नोड जेएस के फोल्डर के अंदर आप लोग एक बनाए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस के नाम से, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बस आप देखो एंटर दे दो, फिर देखो कैसे क्या फायर रन होती है। तो पहले आपको दिखाता हूँ कंसोल चला के, लिखो कंसोल डॉट लॉग। कंसोल फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देना, फॉन्ट साइज थोड़ा, हाँ ऐसे, हाँ चलो फंक्शन का साइन लगा दो। लिखो सिंगल कोट में हेलो, सिंगल कोट में उसके अंदर हेलो लिख दो, चले लिए। तो अब देखो आपकी फाइल चलेगी कैसे, सर्वर सिस्टम में अपने ब्राउजर लोकल पे। चलो अब देखो ऊपर सेव कर दो इसको। अब देखो आपको ऊपर दिख रहा है टर्मिनल, ये साइड पर थोड़ा जूम कम करो, थोड़ा जूमिंग कम करो, मैं बताता हूँ। और नीचे दिख रहा है सेटिंग, नीचे दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, नीचे देखो लेफ्ट साइड, इस पर क्लिक करो, ऊपर दिख रहा है सेटिंग, इस सेटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो कर दो 25, दिख रहा है 14, ये फॉन्ट साइज 25 कर दो, बस बस कैंसिल कर दो उसको, ऊपर से सेटिंग को कैंसिल कर दो, बस ठीक है। चलो अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक नोड जेएस नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक बनाई फाइल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस नाम की, उसके अंदर मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग में हेलो। अब मुझे इसको रन करना है कहाँ पर, अपने सिस्टम में, ब्राउजर पे नहीं, अपने वीएस कोड पे, जैसे पाइथन सी सब करते हो। तो कैसे करेंगे हम, लिखो टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करो, हम टर्मिनल पे लिखेंगे न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल अभी चालू होगा, अब यहां पे लिखो नोड, नोड स्पेस देके फाइल का नाम ऑब्जेक्ट, बस एंटर दे दो, देखो प्रिंट हो गया, हेलो दिख रहा है सबको। अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ चल पा रही है, हमारे लोकल सिस्टम में, दिख रहा है आप लोग हेलो, कैसे पाइथन चलती है और अभी चलती है ना, और ये किसकी मदद से चल पा रहा है, नोड जेएस की मदद से। नोड जेएस की मदद से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पहले पहले ये कंसोल डॉट लॉग कहाँ पर रन होता था, ब्राउजर पे, अब कहाँ रन हो रहा है, आपके सिस्टम में नोड जेएस की मदद से। पहले आप चला के देखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखने के बाद टर्मिनल पे क्या करना था?
नोड लिखो, नोड और फाइल का नाम नीचे दिखता रहा, देखो नीचे दिखते ना इस वेबसाइट में, इसमें स्क्रीन है पर ठीक है। नोड और फाइल का नाम, जो कि फाइल का नाम है नीचे लिख तो आ रहा है, उस पर कर्सा कर देना नोड पे, फाइल के नाम पे जी सर, जी सर, नोड, उसके बाद फाइल का नाम एंटर दे दो ताकि ब्राउजर चल जाएगा सबके पे। हाँ चल गया सबका। सर मेरे में एरर दिखा रहा है सर। सर मेरे में भी एरर दिखा रहा है। को रेड 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 सी एरर आ रही होगी ना, जी यस सर, सर, द टर्म नोड इज नॉट है ना। रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, रेड रेड सी। मैं एक दे रहा हूँ, एक पाथ दे रहा हूँ, उस पाथ को पेस्ट कर लो। मैं एक कमांड दे रहा हूँ, उस कमांड को टर्मिनल पर पेस्ट कर देना। पहली बार चला रहे हो ना, इसलिए इसमें ऐसा आता है। मनीषा, ये सेटअप हो गया है नोड जेएस का। नोड जेएस इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। और फिर नहीं तो यूट्यूब वीडियो देखना। फिर ये दिया मैंने टर्मिनल में, ये चैट में भेजा मैंने, इसको चला के देख लो, ग्रुप में भेजता हूँ। ये कमांड पेस्ट कर लो टर्मिनल में और फिर एंटर दे दो और फिर लिखना नोड। सर अभी भी चल एरर आ गया, चल रहा है। गया, अब चल जाएगा, स्क्रीन से करो। नहीं सर एरर आ रहा है। अरे तो भाई स्क्रीन से हाँ करो, सर मैं तभी मेरा देख भी पाऊंगा क्या एरर आ एरर आ रहा रहा है। है। अब स्क्रीन से करो। हाँ, तुमने क्या पेस्ट किया? दोबारा टर्मिनल पेस्ट करना, पेस्ट करना लाइन वाली, एंटर देना और फिर लिखना ने नोड ऑब्जेक्ट। सर जी एरर फाइल ही कॉपी सेव नहीं करना। है। हाँ फाइल तो सेव करो ऊपर, वो तो फाइल सेव नहीं, ऊपर देखो, ऊपर टॉप पे ये फाइल देखो, फाइल सेव तो करो नोड जेएस की कंट्रोल एस करके। अरे ऊपर देखो, ऊपर साइन दिख रहा है, फाइल कहाँ सेव हुई है, कंट्रोल एस करो ना। अरे क्लिक करो उस पे पहले, फिर कंट्रोल एस करो, अब फाइल सेव हुई है वो। अब यहाँ पे दोबारा टर्मिनल दोबारा चालू करो, अब देखो नोड। अब जो एरर कॉपी करो, एक बार वीएस कोड बन के दोबारा चालू करना, वीएस कोड बन के दोबारा चालू करो, बंद कर दो ना। और सीएमडी दिखाना मुझे, सीएमडी ना, सीएमडी ओपन करना अपना, सीएमडी वहां पे चेक किया था मैं, नोड इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ आपका। एनपीएम चेक करो, एनपीएम सर ये नीचे से टर्मिनल किस तरह से आया था सर? आई बता रहा हूँ, एनपीएम लिखो, एनपीएम माइनस की भी लिखा जाता है। ये क्या लिखा तुमने, एनपीएम माइनस की भी आया से ही। सर रिस्टार्ट किया विजुअल स्टूडियो, उससे हो गया सर, चल गया। हाँ तो वही तुम्हें कह रहा हूँ, स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो दोबारा वीएस कोड ओपन करो, वीएस कोड दोबारा ओपन कर लो।
अब चला के देखो, न्यू टर्मिनल देखो कैसे ओपन करना है। पहले वो टर्मिनल ओपन करना है, ऊपर टर्मिनल पे आता है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। आ गए सर। अरे इतनी बार क्यों कर दी, एक ही बार करना होता है। तीन तीन बार तुमने कर दिए, बाकी देखो साइड में तीन तीन बार हो गया। वो राइट साइड देखो, राइट साइड पहले वो दो बंद कर दो। हाँ बस बस, अब दोबारा चालू करो। फिर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और बस सिंपल लिखना है नोड और फाइल का नाम। चल गया? ठीक है, सबका चल गया? यस चल सर। गया सबका? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देख लिया आप लोगों ने सिस्टम पे कैसे रन कर रहा है वो। चलो अनुश्री अब आगे थोड़ा देखो आप लोग। हाँ तो अब सबसे पहले मैं क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट आपको पहले बताया था, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है ना। तो चलो आओ कंसोल हटा दो यहाँ से, कंसोल लिखा इसको हटा दो। मनीषा आवाज आ रही है आपको? मनीषा बैच में यस सर आ रही है ये आपने किया, छूट गया होगा आपका। सर। मेरा छूट गया, मैं कल कर लूंगी। आप आगे करो, मैं कर लूंगी। वीडियो अपलोड कर दूंगा उसको, देख लेना। ओके सर। चलो अब हाँ अभी तो वही जावास्क्रिप्ट वाली पार्ट चल रहा है वैसे तो। चलो लिखो यहाँ पे, हटा दो कंसोल, हटा दो पूरा लिखो। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट यूजर इक्वल करली ब्रैकेट्स, एंटर दे दो करली ब्रैकेट्स पे। लिखो नेम कोलन राम, नेम कोलन सिंगल कोट में राम, नेम कोलन सिंगल कोट में राम राम, फिर कॉमा लगाओ सिंगल कोट के बाहर दोबारा से। अब ऐसे लिखो सिटी कोलन ग्वालियर, और फोन कोलन ग्वालियर से कर दो। तो ये तो आप लोगों को पता है ना, ये ऑब्जेक्ट है एक। अब आ जाओ, सबको पता ना ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है। ऑब्जेक्ट को चलाते कैसे हैं, नीचे आ जाओ लाइन नंबर 5 पे आ जाओ, लाइन नंबर 5 के नीचे आ जाओ। पढ़ाया था ना मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट। देखो कंसोल डॉट लॉग मैंने आपसे कहा था ना, तो सबसे ज्यादा यूज कंसोल की करेंगे। और लिखो उसके अंदर यूजर, देखो उसके अंदर यूजर, यूजर नहीं है सिंपल यूजर बस। अब नीचे चला सेव कर लो, अब नीचे चला के दिखाओ उनको। नीचे वो सीएलएस कर लो, सीएलएस क्लियर स्क्रीन कर लो। हाँ अब लिखो नोड और फिर फाइल का नाम ऑब्जेक्ट। देखो प्रिंट हो गया आपके सामने ऑब्जेक्ट, दिख रहा है? अब मुझे ऑब्जेक्ट के यस अंदर सर। सिर्फ यूजर के अंदर नाम की वैल्यू चाहिए हो तो देखो यूजर डॉट नेम, देखो नेम सेव कर लो, एंटर दे दो, नेम आ जाएगा। चलो नोट लिखो नोट द्वारा से, फिर ऑब्जेक्ट, बस देखो नाम प्रिंट होके आ गया। नोट करें आप लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नोट करें। सर इस टर्मिनल में ऐड करने के लिए कौन सी कमांड चलाई थी शुरुआत में? मैं रह गया था वो। ऐड करने के लिए हाँ सर, इस नोड फाइल लिखना को होता है, अटैच नोड करने ऑफ के फाइल लिए। का नाम, नोड ऑफ फाइल का नाम लिखना होता है नीचे। सर तुमने कितना काम किया अभी? अच्छा मैंने सर बस टर्मिनल को खोला है अभी और इंस्टॉल टर्मिनल कर लिया लिखो, उसको। फाइल बना ली फाइल ऑब्जेक्ट नाम से, यस सर, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस बना ली। और फाइल में लिख लिया, फाइल में लिख लिया कंसोल डॉट लॉग। यस सर। सेव कर लिए फाइल को, यस कर लिए सेव। यस सर। अब टर्मिनल ओपन कर रखा है, हाँ जी अब उसमें लिखो टर्मिनल में
क्या नाम है, नोड, और फाइल का नाम जो लिखा हुआ है यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी स्क्रीन पे तुम्हें यस सर। देखो नोड स्पेस देके फाइल का नाम, यहाँ देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे लिख लो। आ गया सर, आ गया। अब वो नोट कर लो। अब जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नोट कर लें। सर ये रिकॉर्ड कर रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। लेट हो गया मुझे भी यार। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस पर देख लेना। अब क्लास में छोड़ो नोट जेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बाद प्रोजेक्ट चालू होगा सीधा। सर वो डिनर करने में मैं रह गया था, सॉरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, चल गया सबका इतना? यस सर। बाकी लोगों का हो गया इतना ऑब्जेक्ट? बाकी लोग बताएं लिसे फटाफट, प्रांग बढ़ू। यस सर, हो गया। चलो अब एक बनाओ फाइल, इसके बाद एनोमियस फंक्शन डॉट जेएस, एनोमियस फंक्शन डॉट जेएस, ANOMYMOUS, anomious function dot js, ANOMYMOUS, anomious function dot js। चलो आ जाओ। अब देखो अभी तक आपने एक सिंपल फंक्शन पढ़े थे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, लिखो फंक्शन, लिखो यहाँ फंक्शन, सब देखना फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखो आईटीएम, आईटीएम लिखो आईटीएम, फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट लगा दो और लिखो दो उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में हेलो आईटीएम। जी मैंने आपको पढ़ाया था ना फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, सिंगल कोड लगा के कंसोल के अंदर तभी तो चलेगा। हाँ लाइन नंबर 3 पे आ जाओ, फंक्शन कॉल कर लो, लिखो आईटीएम नीचे और फंक्शन का साइन और फंक्शन का साइन और सेमी कोलन लगा दो, बस रन कर लो। सेमी कोलन जो नहीं, जो नहीं है सर। देखो फंक्शन चल गया, तो ये फंक्शन सबको आता है, सबने पढ़ा था फंक्शन। यस सर। अब हम फंक्शन कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे फंक्शन का एक नाम है, यहाँ पे फंक्शन का एक नाम है आईटीएम, ठीक है, और उसी नाम से वो कॉल हो रहा है। अब आप जो फंक्शन पढ़ने वाले हो उसका कोई नाम नहीं है, देखो उसी को हम लोग एनोमियस फंक्शन बोलते हैं, तो इसको कमेंट कर लो इस वाले फंक्शन को पूरे को। नीचे लिखो कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट आईटीएम इक्वल फंक्शन और फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो, कंसोल डॉट लॉग ये तो हेलो आईटीएम, सिंगल कोट में हेलो आईटीएम। हाँ बस, तो अब देखो ये फंक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है आप लोगों को देखने में, ये सब लोग आप लोग अब यहाँ फंक्शन का कुछ नाम तो है ही नहीं, है कोई नाम फंक्शन का यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, फंक्शन क्या है कोई, मैं कुछ मैं दिखाया क्या आईटीएम एबीसीडी कुछ भी? नो सर, है ना। और ये कौन से फंक्शन होते हैं ऐसे जिनका कोई नाम नहीं होता, एनोमियस फंक्शन, ऊपर था हाँ ऊपर एक नाम था आईटीएम, वो आईटीएम नाम का फंक्शन था, ये फंक्शन का कुछ नाम ही नहीं है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो भाई जब इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है तो मुझे कॉल कैसे होगा, ये कॉल होगा अपने वेरिएबल से। दिया ना आपने कांस्टेंट आईटीएम, ये क्या है एक वेरिएबल, तो ये किससे कॉल होता है ना, इस अपने वेरिएबल से। लिखो यहाँ पे आईटीएम और फंक्शन का साइन, आईटीएम और फंक्शन का साइन, देखो ये किससे कॉल हो रहा है, अपने वेरिएबल से कॉल हो रहा है, ठीक है। देखो आउटपुट आ गया, थोड़ा सीलेस कर दो नीचे, सीलेस उसको नीचे रहने दो, थोड़ा सीलेस कर दिया करो बस, और उसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर नीचे कर, तब नीचे कर दो टर्मिनल, ये लिखा आ गया हेलो आईटीएम। तो ये वो फंक्शन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है और जो किससे पहचाने जाते हैं, अपने वेरिएबल से। इनको हम कॉल किससे कर पाते हैं, इनके वेरिएबल से, इनके वेरिएबल से, दिख रहा है ना, वेरिएबल से तो कॉल कर रहे हैं इसको सब लोग, अब खुद देख लें। यस सर। अब मान के चलो मुझे वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू भेजनी है, तो वही सेम तरीका है जो फंक्शन में था, आईटीएम लिखना 2,3 नीचे नीचे आईटीएम लाइन नंबर 8 पे 2,3, हम यहां से वैल्यू पास कर रहे हैं 2,3, अब वो फंक्शन के जाकर स्टोर होगी, उसमें लिख देना फंक्शन के अंदर a,b, देखो a,b तरीका सब वही है। अब नीचे आ जाओ कंसोल, नीचे लिखो कंसोल डॉट लॉग a+b, तरीका देखो वही है, कॉलिंग वॉलिंग करने का सब कुछ, लिख दो a+b, देखो आ गए 5, है तरीका वही, तो आप लोग भी नोट कर लें। नोट कर ले एनोमियस फंक्शन, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना नोट जेएस में, इस पे घर पे ही पढ़ते रहना आप लोग, है ना। इतना हो जाए बता देना। हो गया सर। सर एक साथ कमेंट कैसे करते हैं सेलेक्ट करके इसको? कंट्रोल स्लैश दबा के। हो गया सर। बाकी लोगों का
हो गया सर। सर चलो अब समझ में आ गया एनोमियस। अब बनाओ एक फाइल एरो फंक्शन डॉट जेएस के नाम से। मुझे कौन सा ये रेफरेंस एरर आ रहा है इसमें नीचे टर्मिनल में सर, लिख क्या रहा है ए इज नॉट डिफाइंड सर, एडी नहीं हुआ टू और प्लस थ्री जो होता रहा सामने आता रहा देखो आउटपुट फाइव सर मेरे टर्मिनल में नहीं हो रहा सर। हेलो आईटीएम आ रहा है पर सर वो ऐड नहीं हो रहा फाइव। तो सेव करो ना उसको, सेव फाइल को सर, सेव करके फाइल देखो फाइल सेव है कि नहीं है। यस सर दिखाओ स्क्रीन दिखाओ ना, ऐसा हो नहीं सकता यार, छोटी मोटी एरर्स कैसे करती हैं, सेव ही नहीं किया होगा, छोटी मोटी एरर्स देखा करो, ऐसा क्यों होगा कि नहीं आ रहा होगा सेव होके, कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिस्टेक कर रहे होगे। वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है एज नॉट डिफाइन, कहाँ है दिखाओ, कोड चालू करो, कोड तो चालू करो जी। अरे ये कोड तो मुझे कमेंट कर रखा है सर फंक्शन में, ए ए और ए ओ बी फंक्शन में वैल्यू डिफाइन करने है, तो ए ओ बी डिफाइन नहीं करोगे फंक्शन के अंदर, लाइन नंबर सिक्स में फंक्शन में ए ओ बी, कहता रहा हूँ कि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो सीखेंगे कैसे लोग, जब यहाँ से वैल्यू भेज रहे हैं सिंपल है, कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी सर, ऐसी करना है डिफाइन और क्या, फंक्शन पढ़ी नहीं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है फंक्शन में, नीचे आओ टर्मिनल चलाओ सेव करके चल जाएगा वो। ये नोड हाय क्या लिखा था उन्होंने, फिर वो मैंने रीनेम कर दिया था अभी, फिर एनोनिमस ही लिखा था प्रो वाले फंक्शन को कमेंट कर दो, उप वाले फंक्शन बंद करो पहले, वो देख रहे हैं दो दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं सेम नाम से, अरे लाइन नंबर एक पे देखो इसको, लाइन नंबर एक वाले फंक्शन को पहले बंद तो कर लो, देखा तो करो मैं कोड में क्या कह रहा हूँ, एक से चार तक कमेंट कर दो। बड़ी तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि जब बेस स्ट्रांग नहीं होते बच्चों के, अब ऐसे कमेंट कर रहा है वो, देखो भाई पूरा फंक्शन बंद करना है, नीचे एक से लेकर चार तक कमेंट कर दो पूरा, वो फंक्शन डबल डबल कॉल हो रहा है, स्लिपंगा हो रहा है उसमें, ये जो दिक्कत होती है बेस नहीं बनते ना फिर परेशान होते हैं। ओके अच्छा लगेगा जी, देखा करो छोटी मोटी मिस्टेक है, इस पर टाइम वेस्ट होता है, बड़ी मिस्टेक हो तो समझ भी आया कि हाँ चलो भाई देखें। चलो हाँ चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एरो फंक्शन की। तो एरो फंक्शन में सेम वैसे ही काम करता है ना, अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा ज़्यादा, थोड़ा बहुत चेंज होता है, देखो चलो नीचे लिखो कॉन्स्टेंट यूजर, कॉन्स्टेंट यूजर इक्वल, कॉन्स्टेंट यूजर इक्वल फंक्शन का साइन और इक्वल एरो बार बार उसके ब्रैकेट के बाहर लगाओ, इक्वल एरो, एरो लगा दो, एरो हाँ एरो लगा दो और कर्ली ब्रैकेट लगा दो, हम सबसे ज़्यादा ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एंटर दे दो, एंटर दे दो और लिख दो कंसोल डॉट लॉग, हम लोग सबसे ज़्यादा ये वाला ही फंक्शन यूज करेंगे आगे चल के, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का साइन लिख दो सिंगल कोड में, हेलो वर्ल्ड हेलो यूजर, और ये भी कॉल किससे होंगे अपने वेरिएबल से कॉल होंगे है ना, यूजर लिख दो। अब इसमें क्या हट गया, इसमें जो फंक्शन लिखा था वो हट गया, फंक्शन लिखा था ना वो हटा दिया, ऐसे फंक्शन का साइन आ गया इसमें देखो, और फंक्शन अरे यूजर में भी तो लिखो फंक्शन साइन तो लगाओ यहाँ पे, तो ये तो फंक्शन कॉल होगा, अब चेक कर लो ये हमारा एरो फंक्शन, थोड़ा घर पे आप सब देखना है ना, नोड लिखवाएंगे नोड तो प्रिंट हो गया हेलो,
अब इसमें भी वही करना चाहते हैं, लिखो 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 2.3, लिखो इसमें 2.3, ऊपर देखो 1.b और कंसोल डॉट लॉग में कर लो a+b। तीनों ही फंक्शन है, ठीक है, तीनों से काम हो सकता है। चलो नोट कर लो सब लोग। नोट कर लें सब लोग यार फंक्शन। हो गए सर, ठीक है, बाकी लोग नोट कर लें। सब लोग घर में प्रैक्टिस करना, ट्यूजडे क्लास होगी है ना, तो मोंग डीबी जावा स्क्रिप्ट जितना हो गया पढ़ लेना सब लोग अच्छे से। नोट कर लें, हो गया। बाकी लोग बताएं फिर मैं आगे चलूं। हो गया, तो चलो एक बना लो फाइल और अब पढ़ो ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। एक बना ले फाइल सब लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मोस्ट मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ, वैसे पढ़ाते नहीं हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट इसके कुछ देखो इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम डीआईआर नेम, डीआईआर नेम डीआईआर नेम डीआईआर नेम डीआईआर नेम ऐसे लिखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, फाइल नेम ऐसे नीचे आ जाओ, रिक्वायर रिक्वायर नीचे आ जाओ, देखो मॉड्यूल 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 नीचे एक और मॉड्यूल एंटर देखे रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर नीचे आ जाओ, कर्सर मार डालो ना, कर्सर मार डालो बस सिंपल नीचे कर्सर डाक नीचे आ जाओ, नीचे क्लिक कर लो ना वो अपना बढ़ जाएगा, बस नीचे क्लिक करो देखो मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल, और नीचे आओ देखो एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स EXPORTS एक्सपोर्ट्स EXPORTS और इसको पूरे कम लिख लो, नोट कर लो सब लोग, नोट कर लें ये, फिर एक जगह समझेंगे डायरेक्टरी नेम क्या होता है, फाइल नेम क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। नोड जेएस आप लोगों का अच्छा होगा ना तभी आप लोगों का प्रोजेक्ट हो पाएगा। हो गया सर, ठीक है, बाकी लोगों का यस सर। हो गया सर, सबको हो गया, चलो अब आओ नीचे इसको पूरे कमेंट कर दो। हाँ अब सबसे देखो, सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्टरी नेम क्या होता है, ठीक है, डायरेक्टरी नेम आओ नीचे लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो डायरेक्टरी नेम बताएगा कि ये फाइल या ये फोल्डर किसके अंदर बना हुआ है, ठीक है,
कंसोर्ट डॉट लॉग के अंदर लिख दो डायरेक्टरी नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीआर नेम अंडरस्कोर लगाओ डीआर नेम अब ट्रेवलर थोड़ा ऊपर कर लो टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर लो अब चेक करो नोड असल देखना जी भाई डायरेक्टरी बता देगा कि ये फोल्डर किसके अंदर बना हुआ है तो दिखा दिया सी के अंदर यूजर के अंदर अश्विनी ग्लोवर्स के अंदर डेस्कटॉप के अंदर नोड जेएस के अंदर ठीक है ये जो फाइल है किसके अंदर बनी हुई है पूरा उसने पाथ बता दिया मुझे अब मुझे फाइल नेम और ऐसी फाइल नेम चेक करो नहीं चलो कंसोल डॉट लॉग ऐसी फाइल नेम कर लो फाइल नेम बस ऐसे चेक करो अब ऐसे पूरा फाइल नेम तक का आ जाएगा देखो आ गया नोट जेएस के अंदर ये फाइल का नेम देख गया सबको एक एक में क्या आया डायरेक्टरी नेम तक आ गया पूरा कि ये फोल्डर कहाँ बना हुआ है कौन सा फोल्डर के अंदर ये फाइल बना है ये फोल्डर नाम आ गया लास्ट बारे में फाइल का नाम भी आ गया ठीक है तो अब नोट कर लो आप लोग ये दोनों चीज़ें हो गया बाकी लोगों का यस सर हो गया सर हाँ ठीक है आज इतनी रखो ये बहुत से लोगों का हुआ नहीं है इससे उनका भी कवर हो जाएगा ठीक है और दो दिन आपको मिल रहे हैं दो तीन दिन इसमें पूरा जावास्क्रिप्ट जो छूटा छड़ा है पढ़ लेना